Now next one, इस session में बात करूँगा just about two dimensional array और multi dimensional array in C language. Just मैंने previous session में discuss किया था completely about one dimensional array and string concept. Now onwards two dimensional array. सबसे पहले two dimensional array को discuss करने से पहले just मैं आपको बताना चाहूँगा two dimensional array को just use करने का purpose क्या है. Purpose के just बाद discuss करेंगे just basic definitions, then memory representation के बाद just मैं explain करूँगा how to accessing elements of two dimensional array using looping statement. Clear? Same as some size property or address property related to two dimensional array. First of all, सबसे पहले आपको clear होना चाहिए two dimensional array को just introduce करने को और use करने का just purpose क्या है. Suppose अगर आपको data row और columns के form में store कराना है, matrix के form में store कराना है, then आपके लिए best suitable case क्या रहेगा? Two dimensional array. क्योंकि single dimensional और one dimensional array के through at a time only single दो represent करना possible. For example, सबसे पहले requirements की बात कर रहा हूँ. जस्ट वन डायमेंशनल एरे को यूज करने का पर्पस क्या था. सपोज दैट अगर आपको सिंगल वैल्यू स्टोर कराना था, सिंगल वैल्यू ओनली सिंगल वेरिएबल के थ्रू मैनेज करना पॉसिबल. बट सपोज दैट अगर आपको 5 और 10 वैल्यू स्टोर कराना था, 10 वैल्यू स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 10 वेरिएबल्स, देन 10 वेरिएबल्स क्रिएट ना करके आपके पास बेटर आईडिया क्या है, गो फॉर वन डायमेंशनल एरे. फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, समथिंग स्टूडेंट S1, इसे S1 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में जस्ट मुझे मैनेज क्या करना है, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट. अगर इसे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. जनरली मार्क्स को स्टोर करने के लिए बेटर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट. लेकिन जस्ट मैं इसको इंटीजर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराना तो आपका चॉइस क्या है, या तो आप 5 सेपरेट वैल्यूज क्रिएट करो या 5 साइज का सिंपली आप एक एरे क्रिएट करोगे. मींस इस केस में एरे का साइज क्या है, जस्ट 5. इसे एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट कराओगे, 5 एलिमेंट्स लाइक दैट, 1 2 3 4 5. इस केस में एरे के जस्ट रिप्रेजेंट क्या करें, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट. मार्क्स को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, साइज क्या प्रोवाइड किया मैंने, 5. तो इस केस में टोटल एलिमेंट्स क्या है, 5 एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0 0 sorry 0 1 2 3 and 4. जस्ट मैं अभी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ. इन से टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स क्रिएट हुए, 5 एलिमेंट्स. तो 5 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराना पॉसिबल है. लेकिन इस केस में फाइनली इस रो के अंदर और वन डायमेंशनल एरे में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हो रहे हैं, ओनली 1 स्टूडेंट्स. क्लियर? सिमिलरली सपोज दैट वन मोर स्टूडेंट इज देयर, स्टूडेंट S2. मीन्स जिस तरह से प्रीवियस केस में S1 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए मैंने एरे क्रिएट किया, इस एरे का कैपेसिटी क्या है, 5. तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना पॉसिबल. इसको नेम देंगे एज अ सिंगल रो. इस रो के अंदर कॉलम्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, इस केस में टोटल 5 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 5. लेकिन ये अपने आप रो कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ओनली सिंगल रो 1. सेम एज एनदर स्टूडेंट S2. अगर एक और स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में अगेन क्या मैनेज करना है, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट. तो स्टूडेंट 2 के मार्क्स को भी सेव करने के लिए अगेन आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, 1 डायमेंशनल एरे और 1 मोर 1D एरे. क्योंकि फर्स्ट प्रीवियस एरे में मैंने जस्ट स्टोर किया कराया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट S1. सेकेंड एरे के केस में जस्ट स्टोर किया कराएंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट S2. इस केस में जस्ट मैनेज क्या हो रहा है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट S2. क्लियर? देन अगेन इस केस में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4. इस प्लेस में मार्क्स स्टोर कराना पॉसिबल है. ये सभी करेंटली कितने स्टूडेंट के मार्क्स से हो रहे हैं, जस्ट 2 स्टूडेंट. और आपके पास टोटल वन डायमेंशनल एरे भी कितने क्रिएट हो चुका है, 2 वन डायमेंशनल एरे. इस केस में सपोज फर्स्ट केस में मैंने नेम प्रोवाइड किया M1 और M. सेकेंड केस में अगेन क्रिएट क्या करो, 1 मोर एरे लाइक दैट, इंट M2, साइज क्या अगेन 5. दिस इज द, इसको आप लॉजिकली कंसीडर करो, दिस इज द रो 1 रो 2. इस फर्स्ट रो में टोटल कॉलम्स कितने हैं, 5. सेकंड रो के अंदर भी कॉलम्स कितने हैं, ऑल्सो 5. टोटल आपके पास रो कितने हैं, 2 रो. सिमिलरली वन मोर स्टूडेंट, स्टूडेंट S3. अगर स्टूडेंट S3 के भी मार्क्स स्टोर कराना है, इस केस में अगेन आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, 1 मोर 1 डायमेंशनल एरे. और इस 1D एरे के अंदर भी अगेन एलिमेंट्स कितने होंगे, जस्ट 5 एलिमेंट्स. तो इस केस में भी आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, 1 मोर एरे डिक्लेरेशन लाइक अ M3 विद साइज 5. इसको लॉजिकली नेम देंगे या रो 3. तो अगेन इस केस में इंडेक्सिंग क्या, 0 1 2 3 4. मीन सभी रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5 कॉलम्स. क्लियर?
नेक्स्ट वन मीन्स फाइंड अभी तक आपके थ्रू कितने मार्क्स सेव करना पॉसिबल है, टोटल 3 स्टूडेंट के 5 डिफरेंट मार्क्स सेव करना पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट वन सपोज दैट अभी मीन्स 1 और 2 और 3 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में आपके 3 सेपरेट एरे क्रिएट करना पॉसिबल है। अगर सिमिलर केस में अगर आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स, तो 1000 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में टोटल आपको इस टाइप के एरे डिक्लेरेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे, मीन्स नियर अबाउट 1000 एरे लाइक एम 1000। लेकिन सोचिए मीन्स 1000 एरे आपके लिए क्रिएट करना पॉसिबल गया, नॉट पॉसिबल, मीन्स राइट डाउन करना पॉसिबल है। इस केस में प्रोग्राम कैसा होगा, काफी कॉम्प्लेक्स। दैट इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आप जस्ट इंट्रोड्यूस क्या करोगे, 2D एरे, मीन्स सेपरेटली मल्टीपल एरे क्रिएट न करके आप जस्ट डिक्लेरेशन किस टाइप से प्रोवाइड कराओगे, लाइक दैट एक सिंगल एरे क्रिएट करोगे इस एरे केस में, इससे जस्ट रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन आपको रो कितने रिक्वायर्ड है, 3 रो रिक्वायर्ड है, देन अगेन सप्लाई क्या करेंगे, 3 of 5, तो 3 से क्या रिप्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ रो, एंड 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर, इस टाइप से मीन्स अगेन इस केस में अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा है, अगेन सेम। अगर इस टाइप का कोई एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करें तो फर्स्ट डायमेंशन से रिप्रेजेंट क्या होगा, नंबर ऑफ रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो। सेकेंड केस में साइज क्या, साइज मीन्स सेकेंड केस में रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स इससे रिप्रेजेंट किया गया 3 रो एंड 5 कॉलम। तो इससे डिक्लेरेशन से भी जस्ट क्रिएट क्या हुआ, सेम मेमोरी स्ट्रक्चर। क्लियर, मीन्स अब सिंगल एरे आपके पास, सिंगल एरे क्या है इस केस में, ओनली एरे एम लाइक दैट, यू आर क्रिएटिंग सम एरे इंट एम। आपको टोटल रो कितने रिक्वायर्ड, अगर आपको 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराना है देन इसे एक सिंगल स्टूडेंट अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ सिंगल रो। अगर आपको 1000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड मैनेज करना है देन आपको ये पास रो साइज क्या पास करना होगा, 1000 करेंट केस में, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 3, और सभी स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और मार्क्स कितने 5। क्लियर, इस केस में मेमोरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट थिंग्स, बट सपोज दैट इस केस में 3 स्टूडेंट रिप्रेजेंट किसको, दीज आर स्टूडेंट ऑफ कोर्स बी, मीन से तीनों के तीनों स्टूडेंट किस कोर्स को रेफर कर रहे हैं, बी स्टूडेंट। सिमिलरली सपोज दैट 3 अनदर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 3 अदर स्टूडेंट अगेन स्टूडेंट एस 1, स्टूडेंट एस 2, स्टूडेंट एस 3 लाइक दैट, एस 2 एंड एस 3, लेकिन स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के हैं, सॉरी इसे सारे के सारे स्टूडेंट बिलोंग किसको कर रहे हैं, समथिंग बी सी ए। मीन्स प्रीवियस केस में 3 स्टूडेंट्स के कोर्सेज क्या थे, दीज आर बी स्टूडेंट्स, दीज आर बी सी ए स्टूडेंट, सपोज दैट एन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज देयर, अगेन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज देयर। लेकिन मैं डायग्राम कितने स्टूडेंट के लिए रिप्रेजेंट करूँ, ओनली 3 स्टूडेंट। मीन्स फर्स्ट केस में जस्ट रेफर क्या हो रहा है, दीज आर बी स्टूडेंट, दीज आर बी सी ए स्टूडेंट। तो अगेन इस केस में टोटल अगर 20 के स्टूडेंट कितने 3, तो इस केस में आपने टोटल एरे का रो साइज के लिए 3, कॉलम साइज 5। बट सपोज इस केस में अगेन फिर से मुझे 3 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कराना है, लेकिन स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट के डिफरेंट सब्जेक्ट, तो इस केस में अगेन आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ, सेपरेट टू वन मोर डिक्लेरेशन, दिस द स्टूडेंट वन ऑफ, लेकिन स्टूडेंट वन किसका, बी सी ए कोर्स। इस केस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने, अगेन 5, अगेन सेकेंड रो में स्टोर क्या हो रहा है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2, लेकिन ये स्टूडेंट 2 किस कोर्स का है, अगेन बी सी ए, अगेन स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3 के केस में अगेन ये स्टूडेंट भी किस कोर्स का है, बी सी ए। मीन्स प्रीवियस केस में 3 स्टूडेंट किस कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बी, लेकिन इस केस में 3 स्टूडेंट किस रिलेटेड टू बी सी ए, तो अगेन बी और बी सी ए के केस में सपोज 3 सेपरेट मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है। क्लियर, लाइक दैट दिस इज द फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस में 3 रो से रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, मार्क्स ऑफ बी स्टूडेंट। नेक्स्ट 3 केस में रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, मार्क्स ऑफ एम सी ए और बी सी ए स्टूडेंट लाइक दैट। क्लियर, तो इस केस में चेक करो दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ रो कितने 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, तो इस केस में, लेकिन इस केस में इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 5। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 5 कॉलम। इस केस में साइज क्या है, या ऑर्डर क्या है, 3 by 5। क्लियर, लेकिन 3 by 5 के आपको टोटल मैट्रिक्स और रो, सॉरी टोटल टेबल्स कितने रिक्वायर्ड है, 2 टेबल्स और 2 मैट्रिक्स। तो इस केस में अगेन आप यूज क्या कर सकते हो, 3 डायमेंशनल एरे। अगेन मैंने सप्लाई किया नंबर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रो,
इंटीजर एम। फर्स्ट केस में जस्ट राइट टू लेफ्ट बात करो, मीन्स राइट मोस्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स टोटल कॉलम्स कितने क्रिएट हो रहे हैं। देर आर फाइव कॉलम्स इन ईच रो, सभी रो के अंदर एग्जैक्टली कॉलम्स कितने, फाइव। लेकिन फाइव कॉलम्स के रिस्पेक्ट में बात करें, नेक्स्ट डायमेंशन से रेफर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। इस केस में चेक कर सकते हो किसी भी लेवल में, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर भी नंबर ऑफ रो कितने, थ्री, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी नंबर ऑफ रो कितने, ऑल्सो थ्री। लेकिन इस टाइप के थ्री बाई फाइव वाले टोटल मैट्रिक्स कितने, देयर आर टू मैट्रिक्स, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का भी मीन्स ऑर्डर क्या है, थ्री बाई टू। सेकेंड केस में टाइप क्या है, थ्री बाई, सॉरी फर्स्ट केस में ऑर्डर क्या है, थ्री बाई फाइव। सेकेंड केस में ऑर्डर क्या है, थ्री बाई फाइव। लेकिन इस टाइप के टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, टू। अगर आपको सेम केस में इस टाइप के थ्री डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के मार्क्स मैनेज करना है, लाइक बी ई बी सी ए और एम बी ए और एम सी ए, अगर फोर अदर केस हैं, फोर सब्जेक्ट्स हैं, तो इस केस में आपको इस टाइप के मैट्रिक्स कितने रिक्वायर्ड है, फोर मैट्रिक्स। तो इस केस में सप्लाई क्या करोगे, फोर। इस केस में अगर मुझे ओनली टू कोर्सेज के स्टूडेंट मैनेज करना है, सप्लाई क्या किया, टू। इस केस में इसे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स इस केस में टोटल मैट्रिक्स कितने क्रिएट हो रहा है, टू मैट्रिक्स और टू टेबल्स, और इन टू टेबल्स का ऑर्डर क्या है, थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव। जैसे मीन वाई मल्टी डायमेंशनल एरे, मीन्स इससे क्या रेफर हुआ, वन डायमेंशनल। इन दोनों केस में रो कॉलम्स क्या रेफर हो रहा है, टू डायमेंशनल। अगर टू से ज्यादा डायमेंशन सप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो इसको नेम देंगे एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। क्लियर, अगेन याद रखना, राइट मोस्ट डायमेंशन से रिप्रेजेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो टोटल कॉलम्स कितने सभी रो के अंदर, फाइव। टोटल नंबर ऑफ रो कितने, थ्री रो, थ्री रो। इस टाइप के टोटल मैट्रिक्स कितने, देयर आर टू मैट्रिक्स। अब इनको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस फर्स्ट मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की केस में मीन्स आपको पता होना चाहिए, अगर एलिमेंट्स, अगर एरे के फॉर्म में एलिमेंट्स को मैनेज करते हैं, देन एलिमेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्सेस। अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ, अगर इंडेक्सिंग की बात करें, तो इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, जस्ट जीरो। सेकंड का इंडेक्स क्या है, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर, अगेन जीरो वन टू फोर, जीरो वन टू फोर। अगेन इस केस में भी इंडेक्स क्या हुआ, ऑल्सो सेम, जीरो वन टू थ्री फोर, अगेन जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री फोर। क्लियर, दिस इज द, इससे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, जस्ट कॉलम इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस केस में डायरेक्टली राइट कर दो एम ऑफ टू, तो एम ऑफ टू ओनली मीन्स इसे कंप्लीट एरे का नेम क्या है, जस्ट एम। लेकिन एम के रिस्पेक्ट में बात करें, एम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मीन्स टू इंडेक्स की बात करें, टू इंडेक्स वाला ओनली सिंगल एलिमेंट और सिक्स एलिमेंट है, इस टाइप के सिक्स एलिमेंट फाउंड हुए थे, इस केस में रेज क्या हो, सम एम्बिगिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, अगर मैं इस प्लेस पर यूज करता हूँ, इससे जस्ट रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, कॉलम इंडेक्स। लेकिन कॉलम टू किस रो का एक्सेस करना चाहते हो, उसके साथ सप्लाई क्या करना होगा आपको, रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, दिस इज द मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स वन का ये रो कौन सा है, जीरो थ्रो वन एंड टू। मीन्स रो के केस में भी प्रोवाइड क्या करेंगे, सेपरेट इंडेक्स। फर्स्ट रो का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा, सेकेंड रो का इंडेक्स क्या होगा, वन, नेक्स्ट रो का प्रीवियस प्लस वन। क्लियर, अगेन दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये क्या सेकंड मैट्रिक्स, तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर अगेन इससे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के इसमें अगेन इसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो इंडेक्स, देन वन इंडेक्स, देन टू इंडेक्स। क्लियर, इससे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, सेपरेट टू मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट वन, अब इस केस में बात करें, इन मैट्रिक्स के केस में अगेन फिर से मैंने सप्लाई किया टू एंड थ्री, तो थ्री क्या इस केस में, समथिंग सम रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स में क्या है, थ्री, थ्री की सॉरी थ्री इनवैलिड है, क्योंकि टोटल मैक्सिमम रो कितनी है, टू। इसके इसमें यूज किया वन, तो वन इंडेक्स की बात करें, वन इंडेक्स से रेफर क्या हो रहा है, दिस द रो वन, रो वन। क्लियर, लेकिन रो वन के केस में वन इंडेक्स रो के लिए ओनली वन प्लेस पर है, टू प्लेसेस, टू प्लेस। क्लियर, तो इसके अगेन एमबीटी किसको लेकर है, रो को लेकर, रो इंडेक्स मीन्स वन फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर भी फाउंड हो रहा है, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी फाउंड हो रहा है। अगेन देन इस केस में आपको बताना होगा मीन्स पर्टिकुलर एलिमेंट किस मैट्रिक्स से फेस करना चाहते हो। क्लियर, तो इस केस में अगेन सप्लाई क्या करेंगे, मैट्रिक्स इंडेक्स। क्लियर, तो मैट्रिक्स इंडेक्स में यानी सप्लाई किया सपोज दैट वन, तो इस केस में मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर फर्स्ट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या हुआ, जस्ट जीरो। इसका इंडेक्स क्या है, जीरो।
नेक्स्ट मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगेन इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वन। तो फाइनली आप जितने भी से जब भी आप मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करोगे तो इसके से इंडेक्सिंग गिवन फॉर्म में सप्लाई होगा, मीन्स जितने भी आप मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं सभी मैट्रिक्स का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हुआ और सभी मैट्रिक्स के अंदर रो का भी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो वन टू जीरो वन टू। देन रो के अंदर अगेन रो किसमें डिवाइड हुआ, कॉलम्स में, मैट्रिक्स किसमें डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले एरे किसमें डिवाइड हुआ, टू मैट्रिक्स के फॉर्म में इन केस ऑफ मल्टी डायमेंशनल। अगर आप टू डायमेंशनल की बात करें देन सेपरेट केस होगा, टू डायमेंशनल एरे के केस में भी जस्ट में सारे के सारे एग्जांपल टू डी एरे के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करो, जस्ट टू डी एरे और थ्री डी एरे नेचर वाइज कैसे सेम, इसलिए सेम सिंगल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो जिससे आपके लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मीन्स अगर आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है देन जितने भी मैट्रिक्स क्रिएट होंगे सभी मैट्रिक्स यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू, फर्स्ट मैट्रिक्स का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हुआ, सेकंड का वन, सभी मैट्रिक्स अगेन इंटरनली डिवाइड किसमें होंगे, रो एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स, क्लियर। तो इसके इसमें एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का वे क्या रहेगा, दिस इज द कॉलम इंडेक्स, इस कॉलम के साथ आप ऐड क्या कराओगे, रो इंडेक्स। तो फर्स्ट रो के इसमें रो का इंडेक्स क्या है, जीरो, देन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जीरो 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 वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स किसका है, रो का, सेकेंड इंडेक्स किसका है, कॉलम का। अगेन इस केस में रो का इंडेक्स क्या है, वन, तो इसके इसमें अप्लाई करेंगे वन जीरो वन 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 टू वन थ्री वन फोर। सिमिलरली रो इंडेक्स क्या है, टू टू जीरो टू वन टू 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 थ्री टू फोर। अगेन रो का इंडेक्स क्या है, जीरो, कॉलम का भी इंडेक्स क्या है, जीरो, रो का इंडेक्स जीरो सभी केस में होगा सभी, लेकिन कॉलम का इंडेक्स डिफरेंट है, जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर। अगेन वन जीरो वन 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 टू वन थ्री वन फोर, वन जीरो, नेक्स्ट वन इस केस में रो इंडेक्स क्या है, टू टू जीरो टू वन टू 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 थ्री टू फोर, क्लियर। लेकिन अभी इस केस में चेक कर सकते हैं, टू जीरो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर भी, टू जीरो सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर भी है। अगेन एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स इंडेक्स, क्लियर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है, अगेन जीरो, तो सभी एलिमेंट के साथ अप्लाई क्या करेंगे, जीरो, जीरो इस केस में मीन्स सभी एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स इंडेक्स क्या है, जीरो, तो सभी केस में यूज क्या करेंगे, जीरो जीरो इन ऑल प्लेसेस। मीन्स फाइनली किसी अगर मल्टी डायमेंशनल एरे के केस में आप एलिमेंट को एक्सेस कर दे तो सबसे पहले सप्लाई क्या करेंगे, मैट्रिक्स इंडेक्स, नेक्स्ट वन रो इंडेक्स, नेक्स्ट वन कॉलम इंडेक्स, सेम सीक्वेंस, मैट्रिक्स इंडेक्स, दिस वन इज नथिंग बट मैट्रिक्स इंडेक्स, दिस वन इज रो इंडेक्स, दिस वन इज कॉलम इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट वन सिमिलरली इस केस में मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है, वन, तो सभी एलिमेंट के केस में मैट्रिक्स इंडेक्स का पास करेंगे, सेम वन 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 वन, मीन्स दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मल्टी डायमेंशनल एरे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने राइट डाउन किया, मीन्स इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं किया लाइक दैट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड सो ऑन लाइक दैट। अगर मैंने इस प्लेस पर मुझे सपोज दैट मुझे 18 रिक्वायर्ड है इस प्लेस का एलिमेंट एक्सेस करना है, तो सबसे पहले इसको एक्सेस करने का जस्ट सिंटेक्स क्या रहेगा, सिंटेक्स इज लाइक दैट, सबसे पहले क्या आएगा, एरे नेम, तो इसके इसमें एरे का नेम क्या है, एम। अगर प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले कराना चाहते हो देन डायरेक्टली प्रिंट एफ में पास करना पॉसिबल है। इस अगर मुझे 18 डिस्प्ले कराना तो 18 को एक्सेस करने का वे क्या रहेगा, एरे नेम एम, देन रो इंडेक्स, देन कॉलम इंडेक्स, सॉरी मैट्रिक्स इंडेक्स, रो इंडेक्स, देन कॉलम इंडेक्स, क्लियर लाइक दैट। तो से एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सबसे पहले चेक करो 18 किस मैट्रिक्स में अवेलेबल है, जीरोथ मैट्रिक्स और वन मैट्रिक्स, इस केस में मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स वन, तो मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या आएगा, जस्ट वन, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब वन मैट्रिक्स के अंदर 18 किस रो में, जीरो वन और टू रो, मीन्स जीरो रो में अवेलेबल है, तो इसलिए रो का इंडेक्स क्या आएगा, जस्ट जीरो, क्लियर। नेक्स्ट टाइम, अब जीरोथ रो के अंदर टोटल कॉलम्स कितने हैं, फाइव कॉलम्स, किस कॉलम में अवेलेबल है, जीरो वन टू, मीन्स कॉलम इंडेक्स क्या है, टू, तो इसलिए कॉलम इंडेक्स क्या पास करेंगे, टू, तो फाइनली क्या आएगा, वन जीरो टू,
और सप्लाई क्या किया, इस केस में मेंशन क्या किया 102। तो इस टाइप से किसी भी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल इन केस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू डिक्लेयरिंग 2D एरे और व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ 2D एरे, हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ 2D एरे। प्लस आपके लिए इंपॉर्टेंट केस आएगा, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। इस केस में टू टाइप के रिप्रेजेंटेशन होंगे, रो मेजर स्टोरिंग और कॉलम मेजर स्टोरिंग, जिसके बेसिस पर मैं आपको कई सारे प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करूंगा रिलेटेड टू टू डायमेंशनल एरे।